दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा मुझे स्ट्रीट शॉपिंग से कितना ज़्यादा प्यार है। मैं फ्रीक्वेंटली स्ट्रीट शॉपिंग करता रहता हूँ और मैं मॉल से शॉपिंग करने से ज़्यादा स्ट्रीट शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखने मिलती है, वो भी सस्ते सस्ते प्राइस में। 200 रुपये के ओवर साइज टी शर्ट, 400-500 रुपये के आसपास स्ट्रेट फिट जीन्स, 500-600 रुपये के आसपास स्नीकर्स, वो भी अच्छे क्वालिटी के। तो इंसान स्ट्रीट शॉपिंग क्यों ना करे। तो रिसेंटली अभी मैंने कुछ स्ट्रीट शॉपिंग की है बांद्रा के हिल रोड एंड लिंकिंग रोड से, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। तो जितने भी लोग मुंबई से देख रहे हैं या फिर मुंबई आने वाले हैं, मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है स्ट्रीट शॉपिंग करने में और अपने पैसे बचाने में। तो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक, मैं हूं यश कदम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपको पता रहेगा ओवरसाइज टी शर्ट कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हर कोई ओवरसाइज टी शर्ट पहन के घूम रहा है और मुझे भी ओवरसाइज टी शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ढूंढते रहता हूँ कहाँ पर ओवरसाइज टी शर्ट सस्ते में मिल रहा है। लेकिन मॉल वगैरह में जाओगे ना, ओवरसाइज टी शर्ट बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। 700-800 रुपये का फटका तो आराम से लग जाएगा प्रॉपर जो ओवरसाइज टी शर्ट होता है वो। लेकिन अभी मैं गया था बांद्रा हिल रोड में, वहाँ से मैंने ये ओवरसाइज टी शर्ट लिया, वाइट कलर का विद कोको कोला प्रिंट इन रेड कलर। आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का लिया। इसके फिटिंग जो है वो आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सही फिट है। और अभी ओवरसाइज टी शर्ट का ट्रेंड है तो मैंने सोचा क्यों नहीं, 200 रुपये में मिल रहा है तो क्यों नहीं। और ये टी शर्ट मुझे पसंद आया तो उसके साथ में मैंने एक और टी शर्ट दिखाता हूँ आपको, रेड कलर का टी शर्ट आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने। इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा कूल है यार, और इसका जो कलर है ना रेड कलर, मेरे पास रेड कलर का कोई भी टी शर्ट नहीं था तो फाइनली मेरे पास एक रेड कलर का ओवरसाइज टी शर्ट आ गया। ये भी ओवरसाइज्ड है, ये भी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का मुझे मिला है। मैंने सेम शॉप वाले से लिया, एक्चुअली शॉप नहीं है, इसका एड्रेस कहाँ है पता है, नेचर्स बास्केट है ना हिल रोड में। हिल रोड में जाओ, वहाँ पे किसी को भी पूछना नेचर्स बास्केट कहाँ पे, उसके एग्जैक्ट सामने वाले लेन में आपको ऐसे टी शर्ट्स वाले दिखेंगे, उनको बोलना कि ओवरसाइज टी शर्ट दिखाना, वहाँ पे आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ के। इसका फिट वगैरह आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जैसे ओवरसाइज टी शर्ट्स होते हैं वैसे ही है। मटेरियल आराम से मेरे एक दो महीने में निकल जाएंगे 200 रुपये में, तो क्या पूरी चीज़ है, 200 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है और आराम से इसको एफर्टलेसली आप लोग स्टाइल कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूँगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, आईडी आप लोग स्क्रीन के सामने, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये दो टी शर्ट्स थे जो मैंने लिए बांद्रा हिल रोड से, क्योंकि मुझे ओवरसाइज टी शर्ट्स चाहिए थे और वापस जाऊंगा तब और लूंगा, मैं वापस वीडियो बनाऊंगा आप लोग दिखाऊंगा। तो जितने भी लोग रहते हैं बांद्रा के आसपास या फिर मुंबई के आसपास, बांद्रा जाते रहते हो तो मस्ट विजिट, वहाँ पे जाके आपको ऐसा कुछ मिलेगा और जो वाइट वाला दिखाया वो। तो अभी जो टी शर्ट्स मैंने आप लोगों को बताया वो मैंने लिए थे हिल रोड से। हिल रोड की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अभी बात करते हैं बांद्रा लिंकिंग रोड, जहाँ पे लड़कों के ज़्यादा करके कपड़े मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने हिल रोड से क्या लिया है। ये है एक स्ट्रेट फिट जीन्स, जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखी रहेगी। ये जीन्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी फेवरेट स्ट्रेट फिट जीन्स है, क्योंकि इसकी फिटिंग आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो और जो लोग इंस्टाग्राम से यहाँ पे आए और वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये जीन्स के बारे में पता रहेगा। ये जीन्स मैंने आया गया 4-5 महीने पहले परचेस की थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं हिल रोड या लिंकिंग रोड का हॉल बना ही रहा हूँ तो इसमें ये इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी देखने मिलेगा और पता चलेगा कि मैंने ये कहाँ से ली है। तो इसके फिटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, स्पेशली इसके जो स्टिचिंग है येलो कलर की साइड में वो बहुत ज़्यादा मस्त है। और कोई देख के नहीं बोलेगा कि ये मैंने 450 के आसपास ली थी, कि 450 रुपये की ये जीन्स है। ये ऐसे सेम जीन्स अगर आप H&M में लेने जाओगे ना, 2000 या 2500 का आराम से फटका लगने वाला है। तो अभी मैं आप लोगों को सेकंड जीन्स दिखाता हूँ जो मैंने ब्लू जीन्स के साथ में ही परचेस की थी, वो है ये रस्ट कलर की स्ट्रेट फिट जीन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये भी मैंने 450 रुपीज़ की ली थी, जिस शॉप से मैंने वो ब्लू वाली जीन्स ली ना, वही सेम शॉप से मैंने ये रस्ट कलर की जीन्स ली। उसके पास भाई बहुत सारी वैरायटी है, सो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कंप्लीट एड्रेस वगैरह भी दे दूंगा, अगर आप मुंबई वगैरह में रहते हो तो जाके एक बार विजिट कर लेना। तो ये जीन्स के बारे में बात करें तो ये भी प्रॉपर डेनिम क्वालिटी है और इसको मैंने कुछ भी अल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं कराया, एकदम प्रॉपर मतलब प्रॉपर फिट है। इसके साथ भी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की है इंस्टाग्राम पर, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा। और आप लोग स्क्रीन के सामने देखो ना, ये जीन्स पहनने के बाद कितनी ज़्यादा कूल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और ये जो कलर है ना, बहुत सारे लोग ये कलर पहनने के लिए डरते हैं। देखो भाई, अभी जो ब्लैक कलर की जीन्स या फिर ग्रे
ये सारी चीज़ों का ना फैशन अभी थोड़ा निकल गया है, अभी ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई है, अभी ऐसे कलरफुल जीन्स कलरफुल टी शर्ट्स का फैशन आ गया है। अभी धीरे धीरे करके ऐसे कलर्स मैं अपने वार्डरोब में ऐड कर रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें अगर 450 में मिलेगी ना तो मैं फ्रिक्वेंटली परचेस करूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों जीन्स को रेट करूँ, ये जीन्स और ये ब्लू वाली जीन्स को अगर मैं रेट करूँ, तो भाई 10/10। मैंने इनको कितनी बार वॉश किया है, मशीन वॉश, हाथ से वॉश, कितनी बार, बहुत ज़्यादा रफ यूज़ किया है, लेकिन ना कलर गया है ना फिटिंग में कुछ ऊपर नीचे है। तो ये दोनों भी जीन्स अगर आपको परचेस करनी रहेगी ना, तो आपको एड्रेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिंकिंग रोड जाओ बांद्रा में, वहाँ पर लिंक स्क्वायर मॉल, आप लोगों को पता रहेगा, अगर लिंक स्क्वायर मॉल लिंकिंग रोड जाते हो तो आपको पता रहेगा। लिंक स्क्वायर मॉल के एग्जैक्ट अपोजिट में एक अंडरग्राउंड रास्ता जाता है KFC के बाजू में। किसी को भी पूछना है KFC के बाजू में अंडरग्राउंड रास्ता कहाँ पे है, वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, 500-600 हुआ रहेगा, लेकिन 500-600 में मिल गया ना तो ले लो, छोड़ो मत, क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉल में भाई 2-2 हज़ार रुपये की मिलती है। तो चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो अभी आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है शूज़। देखो शूज़ के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ, मतलब मुझे शूज़ खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे ना शूज़ पे ऐसे ब्रांड वगैरह लिखे हुए नहीं पसंद, मतलब नाइकी के जो अभी जॉर्डन्स वगैरह भी लोग पहनते हैं ना, मुझे वो नहीं पसंद पर्सनली, क्योंकि मुझे शूज़ पे ऐसा ब्रांड जो दिखता है ना, ब्रांडिंग, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन कोई कोई स्नीकर्स पे ना वो जो ब्रांडिंग होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, स्पेशली जो कॉन्वर्स के चक टेलर्स है ना उन पे। और मैंने कभी कॉन्वर्स के चक टेलर्स लिए नहीं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने बांद्रा से ले लिए, ये देखो ये कॉन्वर्स चक टेलर्स के डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ के लिए, 600 या 650 के आसपास कुछ लिए। आप लोग स्क्रीन के सामने इसका लुक देख सकते हो, ये देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये डुप्लीकेट है, प्रॉपर जैसे ओरिजिनल है वैसे ही एग्जैक्ट सेम है। इसके पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल स्पोर्ट नहीं लिखा हुआ है, ऑल स्टार लिखा हुआ है। अगर आपने इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह जो होते हैं जो शूज़ वगैरह सेल करते हैं उनको अगर देखा रहेगा, वो लोग ऑल स्पोर्ट जो पीछे लिखा रहता है वैसा बेच रहे, वो भी 1200-1300 रुपए में, उसके बाद शिपिंग वगैरह भी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 650 रुपीज़ में, वो भी एग्जैक्ट जैसे चक टेलर्स है वैसे एग्जैक्ट सेम है। थोड़ा सा एकदम हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा कुछ, लेकिन मेरे लिए वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे अगर मिल रहा है 650 रुपीज़ में ऐसा कुछ तो मैं ले लूँगा। अंदर भी कॉन्वर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कॉन्वर्स लिखा हुआ है, अंदर दिख रहा है क्यों नहीं है, हाँ ये प्रॉपर ऐसा लेबल जो आता है कॉन्वर्स का वो भी है, और यहाँ पे पीछे भी आप लोगों को दिखाया मैंने कॉन्वर्स ऑल स्टार लिखा हुआ है। ये मुझे लगभग कुछ 1500 या 1100 में बोला था, मैंने बार्गेन किया। देखो यहाँ पे आप जा रहे हो ना बांद्रा लिंकिंग रोड या हिल रोड या फिर कुलाबा कॉजवे, यहाँ पे आपको थोड़ा बार्गेनिंग में स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा बार्गेन आना चाहिए, बार्गेन करना आना चाहिए, और बिंदास करो बार्गेन, सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं मुझे नहीं देना, ठीक है ना, निकल जाओ दूसरे शॉप में देखो, लेकिन बिंदास बार्गेन करो। तो इसका जो लुक है आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और इसको मैं बहुत सारे तरीक़ों से स्टाइल करने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं ये परचेस करके, क्योंकि इसके ओरिजिनल जो आते हैं उनका प्राइस भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कभी चक टेलर्स पे। मुझे हमेशा से ये PT वाले शूज़ लगते थे, लेकिन ये PT वाले शूज़ बहुत ज़्यादा काम आते हैं, PT जो होता है ना स्कूल में ऐसे ऐसे करते हैं वो वाले। लेकिन एनीवेज गाइस, ये शूज़ बहुत अच्छे लगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, लिंक रोड लिंकिंग रोड में जाओ, वहाँ पे किसी को भी पूछना कि शूज़ वाली गली कहाँ पे, आप लोगों को बता देगा। शूज़ मतलब लाइन से ऐसे गली है, वहाँ पे आप लोगों को शूज़ मिल जाएंगे, ऐसे रैंडमली लटकाए रहेंगे, वैसे ही मैंने देखा और मैंने ले लिया। मुझे ना टैन कलर के शूज़ बहुत टाइम से चाहिए थे, और बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था कि टैन कलर के शूज़ कहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं। मिंत्रा पे देखा, फिर हश पपीज, क्लार्क्स, H&M में से बहुत सारी जगहों पे देखा, लेकिन मुझे जैसे चाहिए थे ना वैसे नहीं मिल रहे थे, और जो अवेलेबल थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, मतलब 5000-6000, और मैं इतना ज़्यादा एक शूज़ पे स्पेंड नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मैं बांद्रा गया लिंकिंग रोड में, मैंने इनको देखा, देख के साथ ही मुझे प्यार हो गया। आप लोग देख सकते हो ये जो टैन और बेज का कॉम्बिनेशन है कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, और स्पेशली ये जो सोल पर टेक्सचर बना हुआ है ना, इसके वजह से ये शूज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और इसका जो सोल है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा सा चंकी है, और आगे से ये राउंड है, पॉइंटेड नहीं है,
जैसे मुझे चाहिए थे, एग्जैक्टली परफेक्ट है। इसको आप कैजुअल भी स्टाइल कर सकते हो, स्मार्ट कैजुअल भी स्टाइल कर सकते हो, फॉर्मल वेयर भी पहन सकते हो, जीन्स भी पहन सकते हो, बहुत सारे तरीकों से स्टाइल कर सकते हो। और ये स्नीकर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपीज़। तो आराम से एक साल तो छोड़ो, 6 महीने भी निकल गया ना, बहुत अच्छी बात है। इसका कंप्लीट एड्रेस मैं आप लोगों को बताता हूँ, लिंक स्क्वायर मॉल जो है ना, लिंकिंग रोड पे जाओ, वहाँ पे किसी को पूछो लिंक स्क्वायर मॉल कहाँ पे, लिंक स्क्वायर मॉल में अंदर घुसो। एक्चुअली वो मॉल नहीं है, बस उसको नाम के लिए मॉल बुलाता है, क्योंकि वहाँ पे ना पहले सब रास्ते पे ऐसे शॉप्स थे, लेकिन अभी उनको मॉल बना के दिया है ऐसे बड़ा सा, तो इसीलिए अभी उनको मॉल बोलते हैं। लेकिन रेट्स जो है वो प्रॉपर स्ट्रीट वाले ही रेट्स है, बस 100-200 रुपये का फ़र्क रहेगा, और थोड़ा सा बार्गेन करना लेते वक्त। वो लिंक स्क्वायर मॉल पे फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे शूज़ के दुकान दिखेंगे, वहाँ से ये आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे, आपको 2000-3000 ऐसे बोलेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ वो प्राइस में मत लो, थोड़ा सा बार्गेन करो। ये थे वो दो शूज़ जो मैंने बांद्रा लिंकिंग रोड से परचेस किया। अगर आप लोग को लेना रहेगा तो एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, इन डिटेल आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। अभी दो और आइटम बचे, दो और आइटम ही, एक्चुअली एक ही आइटम है, आप लोगों को दिखाता हूँ। वो है सनग्लासेस, यानी कि शेड्स जो हम लोग पहनते हैं ना, वो अभी ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे नए नए वैरायटी के सनग्लासेस आए हैं, और मैं जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बांद्रा जाऊँ, फिर कुलाबा जाऊँ, और जितने भी ट्रेंडिंग सनग्लासेस है वो लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे सनग्लासेस से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दो ट्रेंडिंग सनग्लासेस मैंने परचेस किए, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो सनग्लासेस है वो आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये है एक जेट ब्लैक वेफरर, और ये थोड़ा सा अलग शेप का है, मैं आप लोगों को पहन के दिखाता हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और ये हर फेस टाइप पे सूट करेगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा कूल, क्या बोलते हो। और क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये प्लास्टिक है, आपको ग्लास वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ है गाइस, ओनली 150 रुपीज़। चलो अभी सेकेंड दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ऐसे ट्रेंडिंग सनग्लासेस कलेक्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकेंड जो है वो आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अभी ये शेप को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो अपनी आंखों का शेप है वैसे एग्जैक्टली सेम होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये पहनते हुए, बहुत सारे जो स्ट्रीट स्टाइल वगैरह करते हैं वो लोग बहुत सारे लोग पहनते हैं। थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। तो बस हो गया, अभी पोजिंग, ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़, है ना, 150 रुपीज़ के हिसाब से बहुत सही। तो हो गया, बस मतलब हो गया, इतनी ही चीज़ें मैंने ली है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आप लोगों ने देखा रहेगा जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, और क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा सही है। और अभी मैं ऐसे सारे वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बांद्रा लिंकिंग रोड, हिल रोड, या फिर कुलाबा कॉजवे, ये सारी चीज़ें जो है, जगह जो है वो एक्सप्लोर नहीं की है। एंड आई वॉन्ट कि आप अपने पैसे बचाओ और ऐसी सारी जगहों पर जाके शॉपिंग करो जहाँ पर बहुत सस्ते सस्ते चीज़ें मिलती हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी में। मुझे पसंद है ऐसे रस्तों से शॉप करना, मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आता, बहुत सारे लोगों को शर्म आता है रस्ते पे से शॉपिंग करने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो रस्ते पे से आके शॉपिंग करते हैं, लिटरली ऑडी BMW से बड़ी बड़ी गाड़ी से उतरते हैं और स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं। तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उनका भी धंधा हो रहा है, अपना भी फायदा हो रहा है। तो गाइस जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई, सभी का डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जाके देख लेना। और वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो से इतना सा भी कुछ सीखने मिला रहेगा या फिर कुछ काम आया रहेगा, मेक श्योर आप लोग ये वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। पसंद आती है वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रह सके, ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया। तो बेल आइकन प्रेस करो, तो जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। और कोई भी वीडियो आप लोगों को चाहिए रहेगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके बताओ, मैं वीडियो 101% बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान देना, कीप स्टाइलिंग, कीप स्माइलिंग।